आधा घंटा है वार्तालाप के लिए। ओ ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है, ये मुरली कब की है? ये मुरली कब की है, जब बाबा जीवित थे या कहीं छोड़ दिया था? जीवित थे तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान चंद्रमा का टाइटल है या ज्ञान सूर्य? ब्रह्मा बाबा कौन है? ज्ञान चंद्रमा। तो चंद्रमा कब रोशनी देता है? रात में रोशनी देता है। तो अभी गुलजार दादी के तन में आते हैं तो भी क्या कहते है? गुड नाइट कहते हैं। ये किसकी आत्मा कहती है? ब्रह्मा की आत्मा कहती है। अभी शिव बाबा तो गुलजार दादी में आते नहीं है, लेकिन ये मुरली कब चलाई गई? इसकी सेवन में। उस समय कौन प्रवेश करता था? शिव बाबा प्रवेश करते थे, लेकिन शिव बाबा ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा बच्चा इंटरफियर करके बोलता है। तो जैसे ही मौका मिला ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा ने बोल दिया गुड नाइट। और बैठा हुआ है शिव बाबा है ना, सामने बोला सामने बैठा। नहीं नहीं ये तो पढ़ने वाला मुरली का और है, और क्लैरिफिकेशन देने वाला और है। पढ़ने वाला कौन है? मुरली में जो कुछ लिखा है टेक्स्ट बुक है ना, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक होती है, प्रोज पढ़ाई जाती है, पोएट्री पढ़ाई जाती है, गद्य पढ़ाई जाती है, पद्य पढ़ाई जाती है। टीचर उसका क्लैरिफिकेशन करता है, स्टूडेंट उसे पढ़ता है। तो पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा पढ़ने वाला है, और क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन है? जो बाप। जो बाप को भी पढ़ने की दरकार है क्या? वो नहीं पढ़ता है। आया समझ? हाँ मुकर्ररत है, मुकर्ररत है, आमने सामने भी है, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? मुरली किताब हाथ में लेकर कौन पढ़ता है और कौन क्लैरिफिकेशन देता है? ब्रह्मा की सुन पढ़ती है, और क्लैरिफिकेशन कौन देता है? जो बाबा क्लैरिफिकेशन देता है, वो सुप्रीम टीचर है। और एक मिनट रुको रुको रुको, और की भी बात सुनो। एक लाख रहेंगे और बाकी सब परंतन चले जाएंगे। जब टोटल मिला 14 लाख जाएंगे ऐसे बताए। तो फिर जब टोटल मिला 14 लाख तब 4.5 लाख होंगे ना? हाँ यहाँ का बढ़ता है 1 लाख ही रहेंगे बाकी सब चले जाएंगे, तो फिर 9 लाख से कैसे शुरू हो जाएंगे? नई दुनिया 9 लाख से दुनिया कैसे शुरू हो जाएगी? सोची थी दुनिया शुरू हो जाएगी तो 9 लाख हो गया ना। हाँ 9,16,108 1 लाख ही रहेंगे। 1 लाख रहेंगे? ये किसी मुझे बोला कि 1 लाख रहेंगे? 50,000 रहेंगे।
50,000 वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की बात हो गई है, और बाकी दूसरे दूसरे धर्म के वो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। जो सतयुग में 9,00,000 जनसंख्या होगी वो सारी की सारी सूर्यवंशी होगी या दूसरे वंश की भी होगी, सारे सूर्यवंशी बन जाएंगे, लास्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे औरों धर्म में कन्वर्ट हुए थे पहले, वो लास्ट तक उनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, बीजों के साथ छिलके उतर जाएंगे, विनाश होता काय के लिए, धर्मराज के डंडे होते काय के लिए, कोई बीज में छिलका होता है तो डंडे से क्या किया जाता है, छिलका उतारा जाता है, तो और धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है और बीजों में वो साफ होता जाएगा, कोई भी दूसरे धर्म का छिलका नहीं रहेगा विनाश होने के बाद। ये कैसे बुद्धि में आ गया कि विनाश होने के बाद भी दूसरे धर्म का छिलका रह जाएगा, और जल्दी जल्दी बोलो टाइम निकल जाएगा। आप अपनी भाषा में बोल दीजिए फिर उसका अनुवाद हो जाएगा। सुप्रीम सोल को 36 तक रहने की दरकार क्या है, जब शिव बाप इस धरती पर आता है तो बच्चों को लक्ष्य देता है, क्या लक्ष्य देता है, बच्चे बाप समान बनना है, क्या तो जो बाप समान बनने वाला कोई तो है या नहीं है, तो कोई पहले बाप समान बनता है ना, जब बाप समान कोई बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस धरती पर रहने की क्या दरकार, नहीं रहता है 100 साल, 100 साल सुप्रीम कोर्ट को रहने की दरकार नहीं है, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया के बीच आता है परिवर्तन करने, ज्ञान सुनाने के लिए, बाकी सारा परिवर्तन किसके द्वारा होता है, जो बाप समान बनता है और जो अपनी राजधानी स्थापन करता है उसके द्वारा सारा परिवर्तन होता है। सुप्रीम कोर्ट को 36 तक रहने की दरकार ही नहीं, और कोई पहचान भी नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट कब तक रहे और कब तक गए, अभी नहीं मालूम पड़ता कब आता है कब चला जाता है। और शब्दवेदी वहाँ का मतलब जहाँ जहाँ से आवाजें आती हैं, दुनिया में अज्ञान की आवाजें आती है ना, तो जहाँ जहाँ से अज्ञान की आवाजें आती है, धर्म गुरुओं की आवाजें, वहाँ वहाँ ज्ञान का बाण पहुँच जाता है और उनको धराशायी कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि उनके सन्मुख पहुंचा जाए, उनको आंखों से देखा जाए तब ही उनको ज्ञान बाण लगेगा। आज की दुनिया तो ऐसी बन गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तीखी हो गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बात पहुंचाई जा सकती है एक सेकंड में। यहाँ यहाँ आदमी भाषण देता जाए और अमेरिका के दूसरे कोने में वो आवाज तुरंत पहुंच जाती है, तो शब्द भेदी बाण नहीं हुआ। और दिल में है, आया नहीं आया दोनों बातें दिल में है, आया नहीं आया बाबा बताना,
ये बाबा बताना तो भी दिल में है या नहीं है ये कैसे पता चले? घर बैठे मुझे याद करो। घर बैठे एक बार सप्ताह कोर्स ले लो, बदली कर लो, फिर भले विलायत में चले जाओ, घर बना लो, वही रहो, मेरे को याद करते रहो, इंटूरिय सेवा करते रहो। है ध्रुव है कौन और ध्रुव पुरुषार्थ किसका है और ध्रुव पद किसका है? जिसका ध्रुव पद है वो कब प्रत्यक्ष होता है? रात्रि के शुरुआत में प्रत्यक्ष होता है, रात्रि के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, या जब कृष्ण जयंती होती है, बच्चे की जयंती होती है, उसके सास बाप की जयंती होती है, तब प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो कृष्ण का जन्म कब? 76 जो है वो रात्रि का 12 बजे का टाइम हुआ, जो विदेशों के द्वारा माना जाता है दिन की शुरुआत। तो वास्तव में सेवका प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब मनाया जाए? रात्रि के 12 बजे या जब सूर्योदय होता है 4-5 से 6 बजे के बीच में, उस समय माना जाए। भारतवर्ष में जब सूर्य निकल आता है तब दिन की शुरुआत मानते हैं, विदेशों में रात्रि के 12 बजे से ही शुरुआत मानते हैं। तो वास्तव में सूर्योदय कब होता है? जब सारी दुनिया माने, मानने के लिए बाध्य हो जाए कि सूर्योदय हो गया, तो कहेंगे सूर्योदय हुआ। तो वो 5:45 का जो टाइम है, 5 बजे के आसपास का, वो सूर्योदय का टाइम है। जिस समय सूर्योदय होता है उससे थोड़ा समय पहले वो ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या पहचान बताइए जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है? पहचान क्या दिखाई गई है? ध्रुव तारा प्रत्यक्ष होता है, उसकी पहचान है। हाँ वो तो ठीक है, ध्रुव तारा जो है जब प्रत्यक्ष होता है उस समय ऑब्जेक्टिव स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। ध्रुव तारे की अध्यक्ष स्टेज ही बात को प्रत्यक्ष कर देती है। और सितारे अपना स्थान छोड़ देते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, कभी एक जगह चक्कर काटेंगे, कभी दूसरी जगह चक्कर काटेंगे, एक के पास चक्कर काटेंगे, दूसरे के पास चक्कर काटेंगे, औरों के पास चक्कर काटेंगे, और ध्रुव तारा कोई के पास चक्कर नहीं काटता। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो है वो नॉर्थ पोल जहाँ राक्षसी बात माना जाता है, वो कौन सी दिशा है जहाँ राक्षसी धर्म राज्य करता है? कौन सा धर्म राज्य करता है? इस्लाम धर्म।
अफ्रीका है, अरब देश है, तो दक्षिणी पोल और उसकी विपरीत दिशा में है उत्तरी ध्रुव। माया कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। और उसके जस्ट अपोजिट कौन है? माया के अपोजिशन में कौन है जो ज्ञान दिन करने वाला है? माया रावण अज्ञान की रात कर देता है, राम बाप। तो आखिरी दिशा है दक्षिण और दैवी दिशा है उत्तर। उत्तर से वो ध्रुव तारा प्रत्यक्ष होता है। और कौन आ रहा है? कोई दूसरे सो आ रही है? ब्रह्मा बाबा गजूर देवी मारे है? गुंजार दादी में नहीं आ रहे है? कहीं कहीं क्यों पैदा करना चाहिए? वाणी आ रही है उसका प्रूफ ये है कि वाणी का कोई भी वाक्य महावाक्य अवृत्त वाणी का मूली के महावाक्यों को प्राप्त नहीं करता है, तो साबित होता है ब्रह्मा की ही वाणी है। ब्रह्मा बाबा का सिकिलदा बच्चा है, तो जो सिकिलदा बच्चा है वो बाबा की याद में रहकर के जो भी बोलता है वो अनुकूल ही बोलता है, प्रतिकूल कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए कहेंगे कि गुलजार दादी ने सबसे उनको ब्रह्मा की तोल ही पाठ बजाई है। और बाबा ने मुरली में ये बोला हुआ है कि जो डायरेक्ट मुरली सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली, जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं या वीडियो में देखते हैं वो है सेकंड क्लास या गुड सेकंड क्लास, और जो कागज में पढ़ते हैं वो है थर्ड क्लास मुरली। तो जिनको फर्स्ट क्लास माल मिल रहा होगा वो थर्ड क्लास क्यों पढ़ेंगे? आजकल तो ट्रेन में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया। पहले ट्रेन में थर्ड क्लास चलता था, तो हमारी भी संकल्पों की ट्रेन है। इस संकल्पों की ट्रेन में थर्ड क्लास को कोई स्थान नहीं। क्यों क्यों स्थान नहीं है? क्योंकि जो थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे उनको ये निश्चय ही नहीं होगा कि भगवान बाप आया हुआ है। जब निश्चय नहीं होगा तो जरूर कागज आगज की किताबें पढ़ते रहेंगे। जिनको निश्चय होगा वो डायरेक्ट सुनने की कोशिश करेगा, या जो एक्यूरेट वाणी सुनाती है टैप रिकॉर्ड वो सुनेगा, डायरेक्ट सुनेगा। नहीं, अगर मौका मिलता है तो टैप रिकॉर्ड से सेकंड माल देगा, थर्ड क्लास की तो बात ही नहीं। बाबा हम जो मुरली देखते थे वो तो पढ़ सकते हैं ना? लिखते काय के लिए?
तो लिखते किस लिए हो? लिखते इसीलिए हो कि तुम्हारा पढ़ा जाए। एक बार याद नहीं रहता है चीज, उसको बार बार रिवाइज करें। नहीं नहीं वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन ये थोड़े नहीं कि भाव बदल देती। ट्रांसलेशन किया है, कोई अपनी बात थोड़ी सुना दी। बाबा की जो वाणी है उसका अनुवाद ही तो किया है, अपनी बात तो नहीं सुनाई। अगर उसने अपनी बात मिक्स की है तो कुछ संशय हो सकता है। जिसने बोला है वो मनुष्य गुरु है या शिव बाबा ने ये बात बोली है? मनुष्य गुरु तो जाने कितनी अफवाहें फैलाते रहते हैं, मन मत फैलाते रहेंगे, मनुष्य मत फैलाते रहेंगे और उनकी स्टेज से दूसरों को डाउन करते रहेंगे। अफवाहें फैलाने से क्या होता है, स्थिति डाउन हो जाती है लोगों की। जो बात मुरली में बोली गई हो, जो बात बाप ने बोली हो, वही बात हमको बोलनी है, दूसरी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। जो बाप की बात है तो बच्चों की बात है। और जुड़ी सेवा मनन चिंतन मंथन किनका चलेगा? जो जिस्मानी सेवा करेंगे उनका मंथन चलेगा या जो रूहानी सेवा करेंगे उनका मंथन चलेगा? मन बुद्धि को खोलने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा की जो सेवा करेंगे माने शिव बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाएंगे या शिव बाबा के बताए हुए रास्ते पर पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी है सच्ची रूहानी सेवा। उससे क्या होगा? उससे उत्थान होगा। बाकी जिस्मानी सेवा से उत्थान नहीं होता है। और एक होता है जानबूझ के कोई उड़ा देता है और एक आत होता है अनुवाद करते समय ट्रांसलेशन करते समय भूल से भूल गया। किंतु मनुष्यों से भूल तो होती है, तो जानबूझ करके जो उड़ा देता है उसका पाप बनेगा या अनजान में भूल गया उसका पाप बनेगा? जानबूझ के जो उड़ाता है वो धर्म गुरु कहा जाता है। उत्तरायण माना सतयुग और त्रेता की शूटिंग करने वाला, और दक्षिणायन माना आसुरी संप्रदाय भी ज्ञान लेना शुरू कर देता है। 100 लोगों की मजलिस बैठी हुई हो और उसमें 90 लोग दूसरे दूसरे धर्म के हैं और 10 आत्माएं
सूर्यवंशी बैठी हुई है, तो ज्यादा असर किसका पड़ेगा? 90 का वाइब्रेशन बन जाएगा दक्षिणायन। ये शूटिंग का हिसाब है, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में उतरती कला चल रही है या चढ़ती कला चल रही है, हैं? क्या कहे, पुरुषार्थ चढ़ती कला का हो रहा है या गिरती कला का हो रहा है? गिरती कला का क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों की संख्या बहुत बढ़ गई है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनका वाइब्रेशन असर करता रहता है। माना सूर्य अभी दक्षिणायन है, अभी उसको असली संगठन नहीं मिला है। जब असली सूर्यवंशी संगठन बन जाएगा, जिसके लिए मुरली में बोला है ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा बन जाएगा कि जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। असल सूर्यवंशियों के संगठन में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो उत्तरायण कहा जाएगा। इसलिए उत्तरायण अच्छा माना जाता है और दक्षिणायन खराब माना जाता है। और निर्मला किसी का नाम दिया होगा क्या? बाबा बेहद में नाम बोलते रहते हैं ना, तो निर्मल शांता या निर्मला, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका मन निर्मल हो उसका नाम है निर्मलाश्रम। वो निर्मलाश्रम का सरपरस्त है, उसके लिए बोला गया। और
वेले आंख खुलते ही थोड़ा समय भी जो याद करता है, एक्यूरेट याद करने का पुरुषार्थ करता है, वो याद का फाउंडेशन सारा दिन चलता है। थोड़ा समय नहीं रहता, जैसे बीज है, बीज समय पर बोया जाता है तो ज्यादा फल देता है, और मौसम निकल गया फिर बोया गया तो फल नहीं देता या कम फल देता है। ऐसे याद का भी हिसाब है, चाहे वो हद का अमृत बेला हो, चाहे बेहद का अमृत बेला हो, इसने समय पर बीज डाल दिया वो कई गुना प्रतिफलित तो होता है। और नरक के बीच में स्वर्ग का सैंपल तैयार करता हूँ। हाँ जी, आदि का जो सैंपल था वो तो दुनिया वालों ने देखा ही नहीं। दुनिया वालों ने नहीं देखा जी? नहीं। और जो अंत में स्वर्ग का सैंपल तैयार होगा उसको सारी दुनिया देखेगी क्या? है? देखेंगे क्या? नहीं। जब आदि वाले को दुनिया वालों ने नहीं देखा, तब ने नहीं देखा, 500 करोड़ ने नहीं देखा, तो अंत वाले को भी 500 करोड़ नहीं देखेंगे। वो कैसे मानेंगे कि ये हमारे देवी देवता है या हमारे ये कुल देवत है? और दूसरे धर्म वाले इससे सब जन्नत जन्नत बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो सब और पैराडाइज के रूप में याद करते हैं, लॉर्ड कृष्ण को मानते हैं, लेकिन वो सब स्वर्ग में जाते नहीं है। वो ही सिर्फ जाते हैं जो उनके धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए जो उनके धर्म में कन्वर्ट होकर के जाते हैं वो ही वहाँ आवाज फैलाते हैं, वो उनके पूर्वज हैं। हर धर्म के पूर्वज सत्युग त्रेता में और संगम में मौजूद है। कभी बोला है ना संगम युग में पूरा दिन अमृत मिला है, ऐसा थोड़ी बोला है कि संगम युग में सारा दिन अमृत मिला है, ऐसे नहीं। संगम युग में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है संसार में, तब है अमृत मिला उसकी। ऐसे नहीं कि सन 36 में भी अमृत मिला है। और अड़सठ में भी अमृत वेला है, 68 में अमृत वेला होता है, तो माउंट आबू में सनसेट पॉइंट की यादगार नहीं बनती। अमृत वेला तब है जब प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्षता भी दो तरह की है, एक बुद्धवादियों की आधार पर प्रत्यक्षता और एक है दिलवालों के आधार पर प्रत्यक्षता। दिलवाले भी बुद्धिमान बाप के ज्ञान रत्नों को धारण करके प्रत्यक्ष करें, तब है असली प्रत्यक्षता। इसलिए विष्णु का पाठ गाया हुआ है प्रैक्टिकल में कर्म संपन्न करने के लिए। ला और लव का बैलेंस है, दिल और दिमाग का बैलेंस है, इसलिए अमृत बेला
जब प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, सब अनुभव करते हैं। इसके नजदीक जाने से हमको रोशनी मिलती है, दूर रहने से हमको वो रोशनी नहीं मिलती है। सब अनुभव करते हैं कि ये पारसनाथ है। इसलिए अभ्यसवाणी में बोला, जो आवे, जो देखे, जो सुने, वह बोले कि बाप आ गया है। उस प्रत्यक्षता होने से पहले के टाइम को कहेंगे अमृत वेला। प्रत्यक्ष हो गया, फिर बाद में कितना भी बैठ करके याद करें, सेवा करें, धारणा करें, उतनी प्राप्ति नहीं होगी। अभी पता है कि है कि नहीं है? अभी पता है? है नहीं है? परीक्षा हो तभी तो पता चलेगा, है? फाइनल पेपर हो तभी तो पता चले। अभी तो सब कह देंगे है। अनहोनी होती है ना, माया का जब पूरा प्रेशर पड़ता है तो माया अखबारों में, रेडियो में, टीवी में ऐसा दुष्प्रचार कराती है कि सब की बुद्धि घुमा देती है। जीत तो पाते है ना? है? जीत तो पाते है। जीत नंबर वार पाते है या एक जैसी जीत पाते है? अगर एक जैसी जीत पावे तो सारे ही लक्ष्मी नारायण बन जावे। नंबर वार जीत होती है, इसलिए माला के मणके ऊपर नीचे बन जाते हैं। अष्टदेव को भी आ जाते क्या? निश्चय उनका नंबर नहीं बनना है। अष्टदेवों का एक जैसा ही नंबर होगा माला में, ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो अंतर होगा कि नहीं होगा? पता कैसे चलेगा कौन लास्ट जन्म में कौन से किस धर्म में गिरने वाला है? और धर्म वाले स्वर्ग को नहीं मानते है? बुद्ध धर्म लोग स्वर्ग को मानते नहीं है। जो बुद्धिवादी होते हैं वो स्वर्ग में जल्दी जाएंगे या दिलवाले स्वर्ग में जल्दी जाएंगे? इसलिए महात्मा बुद्ध महान धर्म की तो स्थापना की, महात्मा तो कहलाए, लेकिन उस धर्म से नास्तिक वर्ग निकल पड़ा, जो न स्वर्ग को मानता है न आत्मा को मानता है। महात्मा बुद्ध ने कहीं भी आत्मा परमात्मा का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धिस्ट लोग हैं ना, बुद्धिवादी लोग हैं, वो शंकर के बारे में गलत ही बोलते। अगर वो उनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे तो विधर्मी कैसे कहे जाएंगे? बौद्ध धर्म विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है। विपरीत बातें बोलेंगे तब तो विधर्मी कहे जाएंगे। और उनकी अगर वो बुराई न करें
तो फिर अव्वल नंबर तपस्वी कौन कहा जाएगा? उनको अव्वल नंबर तपस्वी के रूप में किसे देखना है? महात्मा बुद्ध को देखना है या शंकर को देखना है? महात्मा बुद्ध को देखना है, उनका तो वो बाप है। तो हर बच्चा अपने बाप की महिमा करेगा या दूसरे की महिमा करेगा? तो बापों का भी बाप है ना, है? बापों का भी बाप है ना, वहां तक पहुंच नहीं है ना। बाबा ये ज्ञान योग सेवा धारणा चार सब्जेक्ट है, जैसे अलग अलग करने की वजह से विनर भी बने ना, है? ये चार सब्जेक्ट एक साथ में उठाए उन्होंने, एक एक ने अलग अलग उठाई है, इसलिए विनर भी बने ना। इसीलिए योग ही श्रेष्ठ था। योग एक ऐसी चीज है कि अगर संपन्न स्टेज हो जाए योग में तो धारणा ज्ञान और सेवा इन तीनों में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। इसलिए कहते हैं योग बल से विश्व की बात सही। योग किसका योग? ये उनको नहीं। हाँ जी, पूरी पहचान नहीं है। जैसे कहते हैं मुरली सत्य है, मुरलीधर को मानते नहीं इसलिए मुरली की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं। लेकिन शास्त्र बनने वाला सत्य है ना, तो क्या मुरली सत्य है? पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता आता है। पहले सत्य आता है सामने, फिर सत्य बाप सामने आता है। ज्ञान के आधार पर ही सत्य बाप को पहचाना जाता है। और परीक्षा एक होगी तो ठीक है, 10 परीक्षा है, 10 में से एक दो परीक्षा में फेल हो गए तो उसे फेल कहा जाएगा? नंबर बार फेल तो कहा ही जाएगा। परीक्षा तो एक ही बार आनी चाहिए ना, आखिरी परीक्षा तो एक ही बार। बार बार फेल होते हैं तो बार बार परीक्षा आ जाएगी। है फाइनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री भी आती है या नहीं आती है? या पास होने की इच्छा ही नहीं है? तो पास आ आत्मिक स्थिति में बनने के पहले जो परीक्षा आती है और आत्मिक स्थिति बनने के बाद जो परीक्षा आती है, इसलिए हिसाब किताब किससे ज्यादा बनेगा? आत्मिक स्थिति बनने से पहले जो परीक्षा आती है वो बेसिक नॉलेज की परीक्षाएं हैं, हायर एग्जाम की परीक्षाएं नहीं है। इसलिए बोला आत्मा रूपि सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। जिनकी आत्मिक स्टेज बनती जाती है वो डायरेक्ट बाप से कनेक्शन करते जाते हैं। उनकी भी परीक्षा होती है? क्यों नहीं होगी? हायर एग्जाम की हायर जो क्लासेस होते हैं उनकी परीक्षा नहीं होती? वहाँ से तो गिरते भी है। बेसिक में नहीं गिरते हैं? नहीं, हायर एग्जाम में भी गिरते हैं। बेसिक में भी गिरते हैं तो हायर एग्जाम में भी गिरते हैं। गिरने की क्या बात है? गिरने वालों की संख्या तो बहुत है, प्रजा वर्ग में जाने वाले तो बहुत है। बाप को नए दुनिया बनने के स्वर के साथ ही बच्चे भी बनते हैं। आप नए दुनिया बनाने आते तो बच्चे भी उसके साथ ही बनते हैं। अभी अक्षर योग में दो डिक्लेयर हुआ, उसमें एक तो बाप, दूसरा योगिनी जो बोला गया। अब वो तो अभी नए दुनिया संगठन नए संगठन में है, उसके पीछे और आने वाले नंबर भी वो इसी संगठन में होंगे या हम दुनिया में अपने पूछताछ करते होंगे? हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है, चाहे वो योगीश्वर हो चाहे योगिनी हो, सितारा तो है ना। तो सितारे की जो अपनी दुनिया है उस दुनिया में राज परिवार की भी आत्माएं होंगी, प्रजावर्ग की भी आत्माएं होंगी, दास दासी बनने वाले भी होंगे और फिर भक्त आत्माएं भी होंगी। सब चाहिए।
अभी जो महाशिवरात्रि की वाणी थी अभी कहते कि बाप के साथ ही है वो बच्चे तो इन्होंने तो बाप की नजर के काम नहीं है मतलब सिर्फ पसीट होने की देरी है। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। नहीं रह सकते का मतलब क्या है? साथ ही माने क्या? कंधे पे चढ़ी चढ़े फिरेंगे? उनके कार्य में पूरा साथी बन चुके माने उनका कनेक्शन बना रहेगा क्या? चाहे ईश्वरीय सेवा के हिसाब से चाहे ईश्वरी के हिसाब से कनेक्शन जरूर रहेगा। और कहा है कि तुम माताओं की बहुत जय जयकार होगी, लाखों के तादाद में क्षेत्र बनेंगे। अच्छा जो माताओं की जय जयकार होगी उनसे राज्य कारोबार लेके पवित्र आत्माओं को दिए जाएंगे, सब कहेंगे राज करेगा खालसा। खालसा है वो माताओं की स्टेज में नहीं होगा, दूसरा ग्रुप होगा ना है? दूसरा रुद्रमाला का विजय माला का ग्रुप होगा ना, एक हो जाएगा। राज करेगा खालसा, ये कौन से धर्म में मान्यता है? और सिख धर्म आदि के धर्म है या मध्य के है या अंत का है? तो अंतिम समय में जो धर्म आने वाला है कलयुग के मध्य में जो जिसका फाउंडेशन पड़ता है वो फाइनल नहीं है नई दुनिया के फाउंडेशन के लिए। राज करेगा खालसा मना लंबे समय तक, जैसे यहाँ बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद दीदी दादियों ने लंबे समय तक राज्य किया है, ऐसे ही जो खालिस किस्म की आत्माएं होंगी वो लंबे समय तक राज्य करेंगी। पवित्रता के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं दुनिया में। दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से ही होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण पवित्रता होगी। संपूर्ण पवित्रता होगी तो वैकुंठ बन जाएगा। वासुदेव को नहीं बोला गया या एक ही दादी में इन्होंने दीदी दादियों को श्रृंगार किया करके? हाँ जी। तो एक ही दादी कहाँ पर मतलब माउंट आबू या कराची? माउंट आबू आगे है? नहीं माउंट आबू तो 51-52 से आए हैं। एक ही दादी तो फिर कराची या नहीं तो श्रृंगार बोल रही है जी। तो वहाँ पर ही आपके जो दीदी दादियों को श्रृंगार किया जरूर किया है। कोई आत्मा है बाबा मिलन मेरा मिलन मेरा व्यक्त कहते हैं जो आँखों से दिखाई पड़े, और अव्यक्त कहते हैं जो आँखों से दिखाई न पड़े। तो स्वप्न में जब देखा तो अपना शरीर था या नहीं था? क्योंकि आंखों से देखने का तो अनुभव करते हैं। सपने में जब देखा तो अपना शरीर का अनुभव हुआ या नहीं हुआ? माना सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर भी था और सूक्ष्म आंखें भी थी, तो वो अव्यक्त स्टेज तब कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर वो शरीर की अनुभूति भी न रहे। आत्मा स्वतः ही मन बुद्धि के रूप में अनुभव करती रहे। साकार की दरकार न रहे। खालिसों का जो राज्य आपने बताया माताओं का है, तो ये 100% प्योर नहीं होगा, तो इसलिए उनको कहेंगे डूबी जा डूबी जा।
जो सत्य होता है वो कभी डूबता है क्या? असत्य डूबता है या सत्य डूबता है? कुछ न कुछ असत्य होगा तो डूबेगा। जयकार होकर फायदा क्या है? जयकार होकर फायदा क्या? डूबने के लिए शूटिंग तो होती है। शूटिंग होती है या नहीं होती? जो सत्य को पकड़ने वाले हैं वो अंत तक एक को ही पकड़ के रहेंगे। जय जयकार होगी तो साथ देना पड़ेगा ना। कोई जरूरी नहीं कि जिनकी जय जयकार होती है तो हम उसका साथ दें। अभी बेसिक नॉलेज में जिनकी जय जयकार हो रही है तो साथ देना जरूरी है। उन्होंने भगा दिया। भगा दिया? ये भी भगा देंगे है? हमको कोई भगा नहीं सकता क्या? हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। हाँ जी बोला है कि 12 ज्ञान 11 ज्ञान के रूप में गाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ज्यादा सुनते हैं सिर्फ सुनने में प्रवीण होते हैं, समझने में नहीं। सुनते भी हैं, समझते भी हैं और नंबर वार धारण भी करते हैं और बीज रूप स्टेज में टिकते हैं। जो पहले पहले बीज रूप स्टेज में टिकते हैं वो 12 हैं, उनके लिए बोला गया एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। बाबा ने कहा स्वप्न क्या होता है? मतलब बाबा कोई कोई आत्माएं सपने देख लेती है तो वो माना क्या सक्सेस हो जाती है सपने में, जो भी देखती है तो वो ब्रॉड ड्रामा में भी वो प्रैक्टिकल में देखती है, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्वजन्मों की रील उनके संकल्पों में आ रही है, स्वप्न में आ रही है, साक्षात्कार में आ रही है, वो सच हो जाती है ना। ये फिर टाइम के आधार पर है। अमृत वेले स्वप्न देखा जाता है वो सच्चा हो भी होता है। दोपहर में बहुत खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं, काम की चेंज भी हो सकती है। हाँ दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है और रात में अपनी धोती फाड़ देता है तो उसके सपने में धोती आ गई ना। ऐसे ही इससे ये साबित होता है कि सारा दिन आप बाप को याद करते हैं तो रात में वो आपकी याद में आ जाता है। सवा 2 लाख जो रुद्र माला के मंदिर उसमें जो 25,000 के 9 ग्रुप हो जाते हैं ना बाबा। हाँ जी। तो सूर्यवंशी के 25,000 में आना अच्छी बात है या 108 के दूसरे धर्म के जो है उसमें आना अच्छी बात है? हाँ वो तो कई बार समझाया जा चुका है ना, गधेड़ों की मजलिस है उसका राजा बनना अच्छा है या जो शेरों की मजलिस है उसका छोटा बच्चा बनना अच्छा है? बाबा जी जो है शंकर को बताया अष्टदेव को वो सिर के ऊपर रखते हैं। हाँ? और जो 108 की माला को पहनते रहते हैं। हाँ? बाकी जो 25,000 का तो कुछ सही नहीं है। हाँ तो जो ऊंचे होंगे उनको ऊंची स्टेज पे रखेंगे और जो नीचे होंगे उनको नीचे स्टेज में, वो भी तो बुद्ध रूपी हाथ में है माला।
अबे लेकिन लंबे समय तक तो सदगुरु का निंदा करने में तो समय बीता होगा। जो निंदा करते हैं, जो अखबार आज निंदा करते हैं, इन अखबारों ने ही बहुत निंदा की है और ये अखबार ही अंत में जय जयकार के निमित्त बनेंगे। तो ऐसे ही उन बच्चों का भी हिसाब है। तो वास्तव में बाबा की नजर से श्रेष्ठ कौन है, वो 25,000 सूर्यवंशी में आने वाले बच्चे या वो 108 में? बाबा की नजर में टाइम टाइम के अनुसार सब श्रेष्ठ है। गुरु नानक का जब टाइम होगा तो गुरु नानक श्रेष्ठ है, महात्मा बुद्ध का जब टाइम होगा तो महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ है, इब्राहिम का जब टाइम होता है तो इब्राहिम भी श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्यवंशी के कुल में आ जाते 25,000, तो उनका तो श्रेष्ठ ज्यादा होना चाहिए ना बाबा? बाबा तो राजयोगी बनाने आया है, प्रजा योगी बनाने नहीं आया है। तो बाबा को राजयोग सीखने वाले बच्चों से ज्यादा प्यार होगा, उनको ज्यादा प्रियोरिटी देगा, या प्रजायोगी बच्चों से ज्यादा प्यार होगा? वो भी राजा बनते हैं बाबा, वो तो सबसे पहले राजा के साथ ही युद्ध करना शुरू करते हैं जो उनको राजा बनाते। मतलब बाप के साथ ही वो सब युद्ध छेड़ते हैं। अरे सीखेंगे किसके साथ? अखाड़ा होता है, अखाड़े का एक गुरु होता है, मल्ल युद्ध सिखाते हैं। और तोड़ने वाला मना है, तोड़ने वाला मना 1 साल 2 साल 10 साल और उनका साथ देना कितना साल? फोन निभाने का कोई टाइम नहीं होता, जो जितना निभा सके। 36 तक तोड़ी निभाएंगे हैं? 36 से 36 तक तोड़ी निभाएंगे। आपकी बुद्धि में वो वरदान क्यों नहीं आता बैठता जिसमें बोला हुआ है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? लेकिन बाबा ने भी बोला ना कि संग दोष असर होता है। हाँ, वो बात देखने की। संग दोष का असर किसके ऊपर होता है, कमजोर के ऊपर होता है या पावरफुल के ऊपर होता है? जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर असर होता है, और कमजोर वो होते हैं जो बाप को अपने साथ नहीं रखते। बाप हमारा साथी है तो 5 पांडव एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, कौन पावरफुल हो गए? 5 पांडव ज्यादा पावरफुल हो गए। बाबा है, अपने आप को राजा साबित करने के लिए बाप के साथ ही युद्ध करना, ये तो राजा ही अच्छा भी नहीं है ना बाबा? भस्मासुर बनना तो अच्छी बात है ना। अरे माया भी सर्वशक्तिमान का टाइटल लेती है और बाप को भी सर्वशक्तिमान का टाइटल है, तो रावण अपने रावणपने में खुश रहेगा जब रिजल्ट निकल जाएगा, और राम की आत्मा अपने राम के पार्ट में ही खुश रहेगी। जिस आत्मा का जो पार्ट डिक्लेयर होगा वो अपने पार्ट में ही खुश रहेगा, वाह मेरा पार्ट। लेकिन ओवरऑल पार्ट तो देखा जाएगा ना बाबा? है ओवरऑल वो उन आत्माओं को लगेगा कि मेरा पार्ट अच्छा है। हाँ, ओवरऑल जब लोग देखेंगे, हाँ, तो उनकी नजर में जो ऊंचे मन का है वो तो ऊंचा ही है। दूसरा क्या देखता है, हमें उससे लेना देना है या हम अपन को देख रहे हैं कि हमें क्या प्रिय है? मतलब मेन बात ये है बाबा कि बाप के साथ युद्ध करने की जरूरत क्यों है? जो जिस कुल का होगा उसको वो ही पसंद आवेगा, इसलिए राजा बनता है। राजा तो बनता है, वो गधेड़ों का राजा है या शेरों का राजा है? और कहता राजा तो बनेंगे, गधेड़े बनेंगे तो क्या?